78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इसी बीच चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास के बैनर के तले चौधरी जिले सिंह चौक मंडोली रोड पर भव्य ध्वजारोहण का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर न्यास की ओर से बॉय सिटी लैब द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था भी की गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद एवं समाज सेवी निरंजन सिंह त्यागी ने की। भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जगदीप प्रसाद शर्मा ने चौधरी जिले सिंह प्रधान के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर न्यास की तरफ से 7 अलग अलग क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन और विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्र प्रकाश शर्मा, रितेश सूची, प्रवेश शर्मा, धर्मवीर नाकर, सुमन दत्ता नाकर, रीना माहेश्वरी, चौधरी श्याम सिंह, मेघराज, शैलेश चंद्र, सुरेंद्र वर्मा, रजनीश त्यागी, राम निवास शर्मा, वेद सिंह प्रिंसिपल, अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रवीण शुक्ल, पंकज शर्मा, सुशील पांचाल, अशोक बंसल, मनोज गुप्ता, संजय जैन आदि अन्य गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मना रहे हैं आप लोग, क्या कुछ किस तरीके का कैंप आपने लगाया है, क्या कुछ वितरण आपने किया? देखिए, सबसे पहले मैं समस्त समाज को, राष्ट्र को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 78वां गणतंत्र दिवस हम यहाँ बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास के द्वारा चौधरी जिले सिंह चौक रामनगर मंडौली रोड पर आज यह आयोजन हुआ। इस आयोजन में मंडौली रोड मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का बहुत सहयोग था। श्री पंकज शर्मा जी, सुशील पांचाल जी और मेरे बुजुर्गों का, मेरे साथ में खड़े हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा जी, हमारे चौधरी अनूप जी, हमारे सर समाज के सहयोग से आज ये जो आयोजन यहाँ हुआ। इस आयोजन में एक हमने करीब 25 से 30 बॉडी के चेकअप जो फ्री गरीब जनता जो नहीं करा पाती है उनके लिए एक कैंप लगाया है, जो जब तक लोग आएंगे, सुबह से 9 बजे स्टार्ट हो गया था वह चलेगा। एक आज हमने तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया है, जो बाइक से तिरंगा सम्मान यात्रा अभी निकलने वाली है। कहाँ से कहाँ तक रहेगी? झंडा का भी हमने अभी झंडा फहराया पूरे समाज ने मिलकर के। मौसम खराब है लेकिन उसके बाद में भी लोगों में उत्साह है। यह यात्रा मंडौली रोड चौधरी जिले सिंह चौक से शुरू होकर मानसोर पार्क DDA फ्लैट से होते हुए न्यू मॉडर्न शाहदरा से नत्थू कॉलोनी चौक पहुँच करके वापसी यहीं चौधरी जिले सिंह चौक पर आकर के समाप्त होगी। कुछ राखियाँ आपने रख रखी हैं, राखियों के बारे में थोड़ा बताओगे? ये चौपाल एक संस्था है, उसके माध्यम से जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार देने के लिए चौपाल के माध्यम से होली पर हम ऑर्गेनिक रंगों को बनाने का कार्य उनको दिया गया, जिससे उनका भरण पोषण, उसको बहुत सफलता मिली। इसी तरह से जो अभी गरीब महिलाएं हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं है, उनसे ये राखियां बनवाई गई हैं, जो सब हाथ से उन्होंने बना करके राखियां, उनका स्टॉल लगाया है। और मैं सबसे ये अपील करूंगा कि सभी उन महिलाओं के स्टॉल से राखी जरूर खरीदें, ताकि इन हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उनके भरण पोषण के लिए उनको धनराशि वहां से मिलेगी। आपके इस कैंप में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो है, कुछ योजनाएँ उसमें लिखी हुई हैं, उसका थोड़ा बताइए। देखिए, जो प्रधानमंत्री की योजनाएँ चल रही हैं, हमारा काम है समाज तक उनको पहुँचाना, गरीब तबका उनका लाभ ले सके। सबसे बड़ा कारण यह होता है, योजनाएं बन जाती हैं लेकिन वो आम मानस तक पहुंच नहीं पाती हैं, जिसके कारण वो लोग उसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो उनका हमने प्रचार प्रसार करने के लिए अपने कैंप में यहां पर लगाए हैं कि जो प्रधानमंत्री की जो ये गरीबी हटाओ की जितनी भी योजनाएँ गरीब लोगों के लिए हैं, वो गरीबों तक पहुँचे और गरीब उनका लाभ ले सकें, इस निमित्त हमने उनके ये पोस्टर यहाँ लगाए। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में कितना बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि एक यात्रा का भी आपने आयोजन किया, झंडारोहण किया और कई लोगों को सम्मानित भी किया आपने स्टेज पर, कितना? ये मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, समाज के अंदर जब जब जागृति आई है, वो जब आई है, जब समाज ने उठ करके किसी भी काम की पहल की है, वो काम उसका मंजिल तक जरूर पहुँचा है। आज देशभक्ति की भावना हर जनमानस के मन में पहुँची हुई है और वो फैली हुई है, उत्साह के साथ में देश प्रेम की भावना को लेकर के समाज के लोग एकत्रित होकर जग जगह पर यहाँ पर जो है ना ऐसे आयोजन कर रहे हैं। तो जागृति आज देश के प्रति हर समाज के हर तबके के लोगों के भीतर जाग चुकी है, और जिन लोगों में अभी उसमें जागने में कमी है, तो ऐसे आयोजन उसको और ज्यादा जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।